हरे कृष्णा। तो भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम पार्ट 2 अध्याय 20 प्रारंभ करने जा रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के इस द्वितीय भाग में लेखक यानी श्रील रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हैं। सनातन गोस्वामी जो है वृंदावन के सद्गुरु स्वामियों में अग्रगण्य है, और आज से 500 साल पहले जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो मुसलमान राजा थे उनके वहाँ मंत्री थे दोनों के दोनों। वैसे तो दोनों ही ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, पर उनका मंत्री का कार्य था। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु से मिले और फिर वो लोग जो है कंप्लीटली वैराग्य धारण किया और प्रचार कार्य में लग गए। तो सनातन शब्द का अर्थ है, अर्थ जो है श्री कृष्ण से लिया गया है। वहाँ कृष्ण को नमस्कार किया गया है क्योंकि वे अतीव सुंदर है और अघासुर जैसे राक्षसों का कृष्ण जो है संहारक है। तो यदि इससे श्री सनातन गोस्वामी अर्थ निकाला जाए तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सनातन गोस्वामी जो है श्री रूप गोस्वामी के अत्यंत प्रिय है और समस्त पाप कर्मों के संहारक भी हैं। तो ये जो हम भक्ति रसामृत का भाग है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें लेखक भक्ति के दिव्य रस के सामान्य लक्षणों का वर्णन करना चाहते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु के इस भाग में 5 सामान्य शीर्षक हैं, जैसे कि 5 नाम हैं, जैसे कि विभाव, भाव के विशिष्ट लक्षण और कारण, विभाव, अनुभाव मतलब परवर्ती भाव, सात्विक भाव मतलब स्वाभाविक भाव, व्याभिचारी भाव मतलब अतिशय भाव, तथा स्थायी भाव मतलब सतत भाव। तो भक्ति रसामृत सिंधु में प्रयुक्त रस शब्द को विभिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार से समझते हैं, क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु का अंग्रेजी अनुवाद किया था तो प्रभुपाद का कहना है कि अंग्रेजी भाषा इतना समृद्ध भाषा नहीं है जैसे कि संस्कृत है। तो अंग्रेजी भाषा में इसके लिए सही शब्द ढूंढ पाना बहुत कठिन है, किंतु फिर भी श्रील प्रभुपाद के जो गुरुदेव है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को अंग्रेजी में ही जो है बाहर के देशों में जाके प्रचार करने का आदेश दिया था। तो इसलिए प्रभुपाद ने पूर्ण प्रयास किया है और प्रभुपाद कहते हैं कि किंतु चूंकि हमारे गुरु ने इस रस शब्द का अनुवाद मेलो किया है, रस रस का इंग्लिश मेलो, MELLOW, तो इसीलिए हम भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे और इस शब्द का वैसे ही अर्थ करेंगे। तो भगवान से प्रेम के आदान प्रदान में जिस विशेष प्रेममयी मनोवृत्ति का आस्वादन किया जाता है उसको रस कहलाता है। जैसे कोई भी भौतिक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जब आकर्षित होते हैं या कोई भी स्वाभाविक स्नेह भी होता है तो उसमें उनका एक भौतिक रस होता है, और भौतिक रस व्यक्ति प्राप्त करते हैं तो सोचता है कि ये बहुत अच्छा रस है, लेकिन एक्चुअली भौतिक कोई भी वस्तु को शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक रस जो है इसका एक बार अगर स्वाद मिल जाए तो फिर वो उसी रसास्वादन करना चाहता है। इसलिए जब भक्त भक्ति में उन्नति करता है तो जब भगवान कृष्ण के साथ जो उनके प्रेममय सेवा के रूप में, फिर भगवान जो उनके साथ आदान प्रदान करते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकेशन करते हैं, तो फिर उसके लिए वो इतना उस रस में आप्लावित हो जाता है कि उसको भौतिक रस का कोई भी जो है स्वाद लेना उनको पसंद नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति में आगे बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है कि वो भक्ति में आगे बढ़ने के कारण वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हर एक वो कार्य करते हैं और जिससे कि कृष्ण प्रसन्न हो, और ये कार्य करते करते जो है उनका जो भौतिक आकर्षण था या भौतिक चीज़ों के प्रति जो लालच था या कुछ भी कह लीजिए उसको, लालसा था या तीव्र इच्छा था, तो धीरे धीरे जो है घट जाता है।
तो ये इसका जो है परिणति है और ये प्रमाण है कि कोई व्यक्ति भक्ति में कितना आगे बढ़ रहा है। भक्ति में व्यक्ति जितना आगे बढ़ेगा उतना ही उसको आध्यात्मिक रसास्वादन होगा और फिर वो भौतिक रस का आस्वादन करना नहीं चाहेगा, अर्थात भौतिक चीज़ों में प्रवृत्ति कम, आकर्षण कम और आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब कई प्रकार के रसों को मिला दिया जाता है तो दिव्य भाव की चरम कोटि के भक्ति रस का आस्वाद लेने में सहायता मिलती है। तो कई प्रकार के रस, जैसे इसको हम भौतिक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बहुत खट्टा था, है ना, अगर आप कुछ ऐसे रस निकालेंगे तो वो नींबू ही ले लीजिए, जैसे नींबू का आपने रस निकाला तो कैसा होता है, खट्टा होता है, राइट। तो उसके बाद जो है आपने उसमें कुछ गुड़ मिलाया या शहद मिलाया, उसको मीठा किया तो खट्टा मीठा अब अच्छा लगने लगा। फिर आपने उसमें कुछ काला नमक मिलाया तो और भी खट्टा मीठा नमकीन आपको अच्छा लगने लगा, है ना। तो ये एक भौतिक उदाहरण है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अगर हम रसों का जो जब ये किया जाता है कि मिला दिया जाता है दिव्य रसों का जो वो मिश्रण होता है, तो वो आनंद जो है चरम कोटि का आनंद है। और ये आनंद प्राप्त करने के लिए हमें प्रैक्टिकली शास्त्रों को जीना पड़ेगा। अगर कोई प्रैक्टिकली शास्त्रों को एज इट इज जीते हैं तो वो इस रस का आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए एक बार इस रस के आस्वादन करने वाले व्यक्ति कभी भी भौतिक रस आस्वादन नहीं करना चाहते। जैसे ऐसे कहा जाता है कि शेर जो होते, पहले पहले जमाने में क्या होता था, जंगल पास ही होता था तो शेर जो है गांव में भी आ जाते थे, तो इसलिए तब बोलते थे कि शेर शेर अगर एक एक मनुष्य का खून का टेस्ट उसको मिल गया फिर उसको बाकी कुछ शिकार करना अच्छा नहीं लगता, उसको मनुष्य का खून ही चाहिए, मनुष्य का मांस बहुत टेस्टी होता है। तो ऐसे है ना, तो वो रस है उसके लिए, वो खून उसका रस है, तो एक बार वो खाते हैं तो फिर उसको वही मनुष्य का अच्छा लगता है। तो ये एक एग्जाम्पल है भौतिक, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर आपको जैसे कि कोई भी व्यक्ति एक ही रेस्टोरेंट में खा रहे थे फॉर एग्जाम्पल, फिर एक बगल में दूसरा अच्छा रेस्टोरेंट खुला और उसमें और स्वादिष्ट भोजन मिलता है एक ही दाम में, तो ऑब्वियसली वो दूसरे रेस्टोरेंट में जाएगा, राइट, लाइक दैट। तो आध्यात्मिक जीवन में जब व्यक्ति रस का पान करने लगते हैं तो ये जो है हायर टेस्ट है, तो और भौतिक रस है लोअर टेस्ट है। और भौतिक रस में जो है बहुत ज़्यादा उसके साथ दुख भी है, जैसे आप अगर ऐसे अनुमान लगाए तो 1:9, तो ऐसा दुख भी है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि भौतिक रस में वो दुख ऐसा ही है, जैसे कोई कोई अगर ऊँट है और ऊँट अगर रेगिस्तान में कांटा चबा चबा के खा रहा है तो उसी का जीभ कट के उसमें से रस निकलता है या खून निकलता है, तो उसी को खा के वो सोचता है कि ये मैं कांटे से निकला हुआ रस खा रहा हूँ, लाइक दैट। तो ये उनका गलत फहमी है, लेकिन उनका ही जीभ जो है कट गया है। तो उसी प्रकार से भौतिक रस में हमें लगता है कि ये बहुत आनंदपूर्ण है, लेकिन उसके द्वारा जो है हमें और ज़्यादा ही कष्ट मिलने लगता है। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाते हैं कि जैसे कोई भी भौतिक व्यक्ति बहुत लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, संतुष्ट होते ही नहीं, आप सबको एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं। अगर कोई बहुत महान व्यक्ति भी है, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी ही है, तो महात्मा गांधी ने तो अहिंसा का आंदोलन चलाया, तो ऐसा लेकिन है नहीं कि महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करने वाला कोई भी नहीं है, या कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ तक कि भगवान भी स्वयं जब आए, रामचंद्र, राम राज्य कितना सुंदर राज्य है, कितना प्रजा को प्रेम करते हैं, प्रजा के लिए उन्होंने अपना पत्नी तक का त्याग कर दिया जबकि उनको बहुत कष्ट हुआ, पत्नी को बहुत कष्ट हुआ, तो फिर भी उन्होंने एक अच्छे आदर्श राजा का कि प्रजा को ही सबसे अधिक महत्व दिया, फिर भी उनका क्या समालोचना नहीं हुआ, क्या उनका क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। या सीता देवी जो है सबसे सती स्त्रियों में है, तो स्वयं लक्ष्मी देवी है, तो उनकी पवित्रता का कोई तुलना नहीं है, फिर भी क्या उनके बारे में लोगों ने बात नहीं किया। तो ये सब तो बात चलती ही रहती है। आप भौतिक संसार में सबको कितना ही संतुष्ट करने की कोशिश करें, मान लीजिए कोई अपनी बेटी का विवाह करने के लिए 2 करोड़ जमा करके रखा हुआ था,
कि धूमधाम से करेंगे। और बेटी का विवाह वो करते भी है धूमधाम से, अच्छे से उपहार वगैरह देते हैं, गोल्ड वगैरह देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदार कमी निकाल देते हैं, या बेटी के ससुराल वाले कमी निकाल देते हैं, या जो खान खा के जाने वाले हैं वो लोग बोलते हैं ये सब तो ठीक था लेकिन साउंड सिस्टम सही नहीं था, लेकिन पनीर की सब्जी में ये था वो था। तो ऐसे लोग होंगे ही होंगे क्योंकि भौतिक जगत है, तो आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति ये समझ जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ जाते हैं, तो फिर उनको दूसरों दूसरे का जो प्रशंसा है या दूसरों का जो बुराई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना बेस्ट देते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं वो पूरे ऑनेस्टी के साथ करते हैं, कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं। और वो जानते हैं कि जब मैं आध्यात्मिक दिशा में कृष्ण की सेवा करूँगा तो कृष्ण जो है कभी भी जो है थोड़े से भी सेवा करे तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो कृष्ण कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है भगवान के प्रति हम कोई भी छोटा से छोटा भी सेवा करते हैं तो कृष्ण उसको स्मरण रखते हैं। और हमारे जो भौतिक जगत में लोग हैं, आप किसी के लिए बहुत बड़ा आप उनका हेल्प कर दीजिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो कृतघ्न होते हैं, कृतघ्न मतलब कृतज्ञता जिसके अंदर नहीं होता है, तो कुछ भी थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो आपको बुरा मान जाएंगे, बात करना बंद कर देंगे, संबंध तोड़ देंगे। लेकिन कृष्णा ऐसे नहीं है। भौतिक जगत में लोग जो है आप कितना भी करें उनके लिए कम ही लगता है, या परिवार में भी कोई कोई जैसे स्त्री है वो अपने परिवार अपना घर परिवार छोड़कर आती है तो अपना अपना दूसरे एक परिवार को अपना परिवार मानती है, पति को अपना मानती है या जो भी उनके इन लॉज है, लेकिन कई बार उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है ना। तो ऐसे ही जो पुरुष है वो इतना अच्छा कमाते हैं और कमा के सारा पैसा परिवार परिजन के खर्चे में निकाल देते हैं, फिर भी उनको कभी कभी सुनना पड़ता है तुमने आखिर किया ही किया है। तो इस तरह की बातें जो है भौतिक संसार में अक्सर दिखाई देता है। आप कितना भी करें संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आप थोड़ा सा उनको रोज जल अर्पण करें, एक तुलसी पत्ता अर्पण करें, या कोई एक फल अर्पण करें, या पुष्प रोज अर्पण करें, इतनी सी सेवा से भी वो प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ जब हमारे हृदय में उनके प्रति जो भाव रखते हैं हम, प्रेम का भाव, वो उसे समझते हैं क्योंकि वो अंतर्यामी है। और भौतिक जगत में लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि वो अंतर्यामी तो है नहीं, वो हमारे मन में घुस नहीं सकते। हम भले ही बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ उनको कुछ हेल्प किया लेकिन हो सकता है वो उसका उल्टा ही समझे, क्योंकि जिसका जैसा दिमाग होता है वो ऐसे समझते हैं। तो इसलिए आप कितना भी प्रयास करें इस भौतिक जगत में कुछ आपको सुख मिले भी लेकिन दुख बहुत ज़्यादा है, कांटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में कृष्ण जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी भावनाओं को हर क्षण वो नज़र में रखते हैं। और भले ही जैसे कि विदुर रानी थी, विदुर रानी ने जब कृष्ण आए इतनी खुश हो गई, वो केला खिलाना चाहती थी फिर केला फेंक रही थी और छिलका खिला रही थी। तो विदुर रानी तो भाव विभोर थी, विदुर रानी को नहीं पता था, लेकिन क्या कृष्ण को भी नहीं पता था कि वो छिलका खा रहे हैं? पता था, लेकिन वो छिलका को इतना प्रेम से खा रहे हैं क्योंकि वो भावग्राही जनार्दन है। ये स्पेशलिटी है कृष्ण का। यद्यपि जो ये स्थिति है हमारे अनुभव के सर्वथा परे है, किंतु श्री रूप गोस्वामी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए इस अनुभव में इसका यथासंभव वर्णित की जाएगी, ऐसा श्री प्रभुपाद बताते हैं। अपने कार्यकलापों में किसी प्रकार के रस का आस्वाद लिए बिना ऐसे कार्य नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत एवं भक्ति के दिव्य जीवन में सेवा से कोई ना कोई रस या विशेष रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। मतलब जैसे किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मान लीजिए किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है ना, तो उसको मैनेजरियल जॉब नहीं पसंद है, और किसी को मैनेजर बनना पसंद है लेकिन पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, तो सबका रुचि अलग अलग है। किसी को पायलट बनने का मन है तो किसी को आर्मी ऑफिसर बनना है, या किसी को डॉक्टर बनना है, तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। अगर स्कूल के बच्चों को कोई टीचर पूछते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है तो अलग अलग आंसर आएगा, या लक्ष्य भी पूछे तो अलग अलग आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति का जो है वो अलग अलग है, लक्ष्य अलग अलग है। तो लेकिन फिर भी अगर वो रुचि के अनुसार कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कंप्यूटर में काम करना बहुत अच्छा लगता है और उसको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सेवा मिल जाए या नौकरी मिल जाए, तो उसको वो उसमें भले ही उसमें वो समय दे रहा है तो भी उसको जो है उसको करने में आनंद आएगा क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन कितना भी आसान चीज़ हम उनको दे दें जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा।
है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा रुचि डेवलप होना। तो इसी तरह से भक्ति में भी विभिन्न प्रकार की सेवा है, तो उन सब सब सेवाओं में हमें अपने अंदर फाइंड आउट करना है, हमें हमें अपने अंदर ढूंढना ढूंढना है कि कृष्ण के लिए मुझे क्या करके सबसे अधिक आनंद आता है। तो उसमें हमें पूरा पूरा मास्टरी जो है हासिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कृष्ण का आपको कृष्ण का ड्रेस बनाना, कृष्ण का श्रृंगार करना अच्छा लगता है, तो क्या करेंगे आप, उसी में मस्टरी करेंगे। और बाकी चीज़ें भी आप करेंगे, जैसे श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण ये सब तो करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि वो कृष्ण के लिए है और ये सेवा आपकी तरफ से कृष्ण के प्रति समर्पण है और ये करना आपको अच्छा लगता है। तो उस सेवा में आपको रस का भी जो है वो मिलेगा, रस मिलेगा। सामान्यतया ये रस कीर्तन श्रवण मंदिर में पूजन तथा भगवत सेवा द्वारा अनुभव किया जाता है। इस तरह जब मनुष्य को दिव्य आनंद का अनुभव होता है तो उसे रसास्वाद कहते हैं। अधिक स्पष्ट के करने के लिए यह कहा जा सकता है कि भक्ति करने से प्राप्त होने वाले आनंद की विविध भावनाओं को भक्ति रस कहा जा सकता है। तो ये जो आध्यात्मिक रस हमें मिलता है, खासकर कृष्ण के लिए जो सेवा करने का रस है, उसको भक्ति रस कहा जाता है। भक्ति द्वारा रस का यह आस्वादन सभी वर्गों के लोगों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मधुर रस या तो मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों से या अनन्य भक्तों की संगति से विकसित किया जा सकता है। पूर्व जन्मों के कर्म, जैसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे आप तो बहुत लकी है। तो आप तो बहुत लकी है का मतलब ये है कि ये नहीं है कि वो कोई विशेष कोइंसिडेंट उसके साथ होता है क्योंकि लकी है। अगर कोई मान लीजिए एक ही बार में कोई अपने सफलता को हासिल कर लेते हैं, या कोई नहीं करते हैं, या कोई बहुत धनी है या कोई नहीं है, तो वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसको वो लक मिलता है। लक भी ऐसे फ्री में नहीं आता, आसमान से नहीं टपकता है। इस जन्म में नहीं करना पड़ा क्योंकि पूर्व जन्म में कमा के आए हैं, इतना मेहनत वो पूर्व जन्म में करके आए हैं इसीलिए। तो इसी प्रकार से जैसे अगर आप भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं, तो या तो पूर्व जन्म बहुत सारे जन्मों से आप भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए इस जन्म में अकस्मात आप भगवान के प्रति बहुत आकर्षित अनुभव करते हैं। और दूसरा है, कई भले ही पूर्व जन्म में करके ना भी आया हो, लेकिन फिर भी भक्तों के शुद्ध भक्तों की संगति के कारण वो इस भाव को, इस रस को विकसित कर सकता है। तो जो विनम्र भक्त होते हैं, कई भक्त भले ही वो पूर्व जन्म में इतने जन्मों से वो भक्ति कर रहे हैं, फिर भी बोलते हैं मैं तो पापी ही होऊंगा, लेकिन मुझे शुद्ध भक्तों की कृपा मिल गया इसलिए मैं भक्ति में आ गया, लाइक दैट। तो ऐसे बातें भी भक्त करते हैं। तो ये भक्तों की संगति से ही विकसित होगा, और पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण भी हमें भक्तों का संगति प्राप्त होता है। नहीं तो आप देखिए, भौतिक जगत में बहुत पाखंडी गुरु है, और जब पाखंडी गुरु होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपका जो फ्लाइट है, जहाँ आपको जाना है भगवत धाम, लेकिन आपको ले जाएंगे, आपका हाईजेक कर जाएंगे फ्लाइट को, या तो नरक ले जाएंगे, या स्वर्ग ले जाएंगे, या निराकार ब्रह्म ज्योति में ले जाएंगे, लेकिन कृष्ण लोक नहीं ले जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो अगर आप ऐसे वैष्णव परंपरागत वैष्णव प्रामाणिक गुरु आपको प्राप्त हो चुका है, और जो आपको गोलक धाम ले जाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और कृष्ण की विशेष कृपा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शुद्ध भक्तों की संगति से ही भक्ति में श्रद्धा का शुभारंभ होता है। शुद्ध भक्त की संगति से ऐसी श्रद्धा विकसित करके या पूर्व जन्म में भक्तिपूर्ण कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य भक्ति रस का वास्तविक आस्वादन कर सकता है। दूसरे शब्द में, यह दिव्य रस सामान्य जनों के द्वारा भोग्य नहीं है, जब तक वे इतने अधिक भाग्यशाली न हो कि उन्हें भक्तों की संगति प्राप्त हो, या अपने पूर्व जन्म के भक्ति कार्यों को करते आ रहे। देखिए, ये हमारा जन्म है ना, तो अगर आप आगे भी जन्म लेंगे तो ये आपका पूर्व जन्म हो जाएगा। तो हम तो हमारा पूर्व जन्म तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने पता नहीं कितना पाप किया होगा या पुण्य किया होगा। अगर हमें दुख मिल रहा है तो हमने बहुत पाप किया होगा, सुख मिल रहा है तो पुण्य किया होगा, और अगर भक्ति मिल रही है तो भक्ति किया होगा। चाहे जो भी हो, पूर्व जन्म की जो भी घट गया है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा इस जन्म में तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं और हम भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत हो सकते हैं। तो इसलिए जो है हम हमें ये जन्म हमारे कंट्रोल में है। तो ये जन्म में भले ही आपको कोई
ऐसा अनुभव हो ना हो, लेकिन भक्ति में लगे रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्ति में लगे रहने से ही हमारी शुद्धता आएगी। और मान लीजिए कोई एकदम उत्तम अवस्था प्राप्त नहीं भी कर पाए इस जन्म में, लेकिन अगला जन्म आपका बहुत ब्राइट होगा, निश्चित रूप से मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके ऊपर से बहुत सुंदर जन्म होगा। और उच्च लोक को भी प्राप्त होता है, कई बार उच्च लोक को जाते हैं भक्त, फिर वहां से फिर जो है वो प्रगति करते हैं, तो ऐसा संभव है। लेकिन भक्ति रस को प्राप्त करने के लिए भक्तों का संगति अनिवार्य है। जैसे कोई किसी को आपने देखा होगा, कोई बहुत जेंटलमैन भी है, अगर वो बहुत ज्यादा एक बेस्ट शराबी की जो है संगति करने लगता है, तो वो भी एक बेस्ट उत्तम शराबी बन जाता है ना। या कोई उत्तम जुआरी का संग करने लगता है, तो उत्तम जुआरी हो जाता है। तो इस प्रकार से संगति का असर तो बहुत पड़ता है। तो इसलिए आपको उत्तम भक्त बनना है, तो उत्तम भक्तों की संगति करना होगा। भक्ति की अवस्था तक के क्रमिक विकास की प्रक्रिया श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में इस प्रकार वर्णित है। सर्वप्रथम उन भक्तों की संगति में रहकर भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए, जिन्होंने संगति द्वारा अपने हृदय को निर्मल बना लिया है। अर्थात भक्तों की संगति इम्पॉर्टेंट है, और भक्तों की संगति का मतलब ही है कि प्रामाणिक जो भक्तगण है, शुद्ध भक्त है, उनके मुखारविंद से हम कृष्ण के बारे में कथा को श्रवण करें। क्योंकि ऐसे जो शुद्ध भक्त है, उन्होंने भगवान कृष्ण की कथा सुनकर और जो है भक्तों की संगति करके अपने हृदय को निर्मल बना लिया है। जैसे आपके दो फ्रेंड है, अगर एक फ्रेंड बहुत साफ दिल का है और एक फ्रेंड बहुत स्वार्थी है, तो आपको निश्चित रूप से साफ दिल वाला जो दोस्त है वो ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्तों की हम संगति करते हैं, तो उनका हृदय ऑलरेडी बहुत निर्मल होता है, वो बहुत सहनशील होते हैं, वो जब भी आपका करेंगे आपका उपकार ही करेंगे, आपको भगवत भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक होंगे, कभी भी आपके अपकार करने के बारे में वो सोचते भी नहीं हैं। तो इस जगत में ऐसे व्यक्ति बहुत विरल हैं। तो ऐसा भक्त, शुद्ध भक्त की संगति अगर हमें प्राप्त हो जाए, तो हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण से मनुष्य को सदैव दिव्य आनंद का अनुभव होगा। तो भगवद गीता में यह भी बतलाया गया है कि जिसने वास्तव में आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लिया है, उसमें पहला लक्षण यह दिखेगा कि वो सदैव प्रसन्न रहता है। यानी आध्यात्मिक पद यानी आध्यात्मिक उन्नति किसी ने अगर किया है, तो हम देखेंगे कि वो हमेशा खुश रहता है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, उनका खुशी की कोई जो है सीमा नहीं रहता, क्योंकि वो आध्यात्मिक आनंद है और उनका मन कृष्ण में स्थित है। तो ये इसका जो है लक्षण है, वो प्रसन्न रहते हैं। तो पहला लक्षण ये दिखेगा कि वो सदैव प्रसन्न रहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। यह आनंदमय जीवन या तो भगवद गीता या श्रीमद् भागवत पढ़ने या फिर कृष्ण भावनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के सानिध्य के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। तो विशिष्टया उनके जिन्होंने गोविंद के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर उनका अनुग्रह प्राप्त करने का संकल्प कर लिया, तो ऐसा आशा बंध समुत्कंठा, तीव्र इच्छा है, तीव्र उत्सुकता है और आशा बांध के रखा है। होपलेस नहीं हो गए कि अच्छा मैं तो 5 साल हो गया भक्ति करते हुए, अभी तक तो मुझे कृष्ण प्राप्ति नहीं हो गई, इसलिए ऐसा इम्पेशेंट नहीं हो गए। वो अपने अंदर जो है भगवान को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया है, और कृष्ण के जो कैरेक्टर है, कृष्ण पर बहुत भरोसा है कि वो भक्त वत्सल है, वो बहुत कंपेशनेट है, बहुत दयालु है। तो इस प्रकार जो है वो आशा को बांध के रखते हैं और एक दिन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसी भावना से प्रोत्साहित व्यक्ति वैधि भक्ति द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हुए उद्दीपन शक्ति के 2 सिद्धांतों को विकसित कर लेता है, जो विभाव के शीर्षक के अंतर्गत आता है। इस तरह वो दिव्य आनंद को भोगता है। तो उनके अंदर शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट होने लगता है, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते हैं, और भगवान के जो भक्त हैं उनसे मित्रता करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं। कृष्ण के इस उद्दीपन विभाव के अनेक कारण होते हैं, जैसे कि स्वयं कृष्ण, कृष्ण के भक्त और कृष्ण का वंशी वादन, कृष्ण का बांसुरी,
बांसुरी जब कृष्ण बजाते हैं तो वो ध्वनि जो है किसी भी व्यक्ति किसी भी भक्त को जो है वो ध्वनि पागल कर सकते, पागल मतलब असल अच्छे सेंस में, मतलब मधुमत्त कर देते हैं, इतना मधुर ध्वनि है। इसका प्रभाव कभी प्रेममय होता है तो कभी अवरुद्ध होता है। तो भाव के समय शरीर में 8 प्रकार के दिव्य लक्षण पाए जाते हैं और ये सब जो है 5ों प्रकार के जो भाव का मिश्रण बताया गया है, तो ये 5ों प्रकार के भावों के मिश्रण से ही संभव हो पाता है। तो इन 5ों प्रकार के भावों के मिश्रण के बिना दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के जो है हम देखते हैं, इसमें बताया गया है 5 प्रकार का, जो स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, ये 5 प्रकार के भाव के मिश्रण से होता है। दिव्य रस के आस्वादन का कारण या आधार ही विभाव है। विभाव जो है वो दिव्य रस जो हाँ कृष्ण के आध्यात्मिक रस जो है कृष्ण के प्रेम में, तो उसका आस्वादन का आधार है विभाव। विभाव के 2 उपविभाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो अग्नि पुराण के में जो है विभाव का वर्णन इस प्रकार किया है, जिस आधार पर भावमय प्रेम उत्पन्न होता है वो विभाव कहलाता है। मतलब क्या आधार, किस आधार पर भावपूर्ण प्रेम कृष्ण के लिए उत्पत्ति हुआ, उसे विभाव उसे उसे कहा जाता है। तो और इसके 2 उपविभाग होते हैं जो है वो आलंबन और उद्दीपन, जैसे कि हमने बताया। तो भावमय प्रेम 2 प्रकार का होता है। आलंबन विभाव का जो विषय है वो कृष्ण तथा उनका भक्त होते हैं। आलंबन जो 2 विभाग होते हैं भाव, उसमें विभाव में तो एक पहला विषय है कृष्ण और उनका भक्त, और आलंबन विभाव के लक्ष्य है उनका शुद्ध भक्त जो ऐसे प्रेम का आगार होता है, और उद्दीपन विभाव जो है उसका आश्रय होता है। अतः वह उद्दीपन विभाव वो प्रेम है जो किसी वस्तु के देखने से विकसित होता है, जो उसे कृष्ण की याद दिलाती है। मतलब जो वस्तु कृष्ण के स्मरण कराए तो वो देखकर जब कृष्ण की याद आए तब जो है उद्दीपन विभाव कहा जाता है। तो अचिंत्य शक्तियों एवं दिव्य ज्ञान और आनंद के गुणों के स्वामी भगवान कृष्ण भावमय प्रेम के आलंबन हैं। वे अपने विभिन्न अवतार में और अंशों के द्वारा भावमय प्रेम के आकार उद्दीपन भी बनते हैं। तो कृष्ण जब अवतरित होते हैं इस धरातल पर, तो कृष्ण का दर्शन करने मात्र से जो है भावपूर्ण प्रेम सृष्टि हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि हस्तिनापुर भगवान बहुत बार आते हैं, और इतने बार हस्तिनापुर आते हैं और हस्तिनापुर से फिर जो है वो जब कृष्ण फाइनली जाने लगते हैं, जब राजा बन जाते हैं पांडव, उसके बाद जाने लगते हैं, तो जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वो कृष्ण के इतना सुंदर गुणगान करते हैं कि सबके कानों को आकर्षित करते हैं, और कृष्ण को वो गुणगान जो कृष्ण का वो स्त्रियां करती है जो कभी पढ़ने लिखने गुरुकुल नहीं गई है, हमेशा घर के कामकाज में लगी रही है, लेकिन वो जो गुणगान कृष्ण का किया है, कृष्ण को वैदिक स्तोत्रों से भी श्रेष्ठ कृष्ण मानते हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक स्तोत्रों में कई बार कृष्ण का जो गुणानुकीर्तन है वो इनडायरेक्टली किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हस्तिनापुर की जो स्त्रिया है वो कृष्ण का जो गुणगान है वो डायरेक्ट कर रही है, कृष्ण के रूपों का गुणों का गुणगान डायरेक्ट कर रही है। मतलब उसमें कोई इनडायरेक्ट वो नहीं है। तो उनके अंदर ऐसा कृष्ण के बारे में वो कैसे जान पाए, क्योंकि कभी ना हाँ उन्होंने शास्त्र पढ़ा, तो उन्होंने कृष्ण के प्रति ऐसे आसक्ति कैसे डेवलप किया, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पांडव कृष्ण के इतने प्रिय हैं कि कृष्ण अक्सर हस्तिनापुर आया जाया करते थे, तो अक्सर स्त्रियों को कृष्ण का दर्शन करने को मिलता था। तो केवल दर्शन करके ही कृष्ण के प्रति जो है उनका भावपूर्ण प्रेम विकसित हो गया, और इतना ही नहीं कई बार बहुत सारे साधु लोग युधिष्ठिर महाराज के प्रसाद में आते जाते रहते थे, तो साधु लोगों के मुख से भी जब श्रवण करते हैं तो भी कृष्ण के बारे में उन्होंने आकर्षण अनुभव किया। ब्रह्मा विमोहन लीला के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में एक कथन मिलता है जो विभाव के इस उद्दीपन को थोड़ा बहुत प्रदर्शित करता है। जब कृष्ण ने
अपने को बहुत सारे, मतलब जब ब्रह्मा जी ने चुरा लिया उनके ग्वाल बाल को, चुराया बछड़े चुरा लिए, तो कृष्ण ने अपना विस्तार किया। और कृष्णा जब विस्तार करते, कोई माया नहीं है कि राक्षस लोग जो माया करते हैं कि एक ही ओरिजिन है बाकी सब डुप्लीकेट है, ऐसा नहीं। तो सारे ग्वाल बाल ओरिजिनल कृष्ण बन गए, कृष्ण ही ओरिजिनल कृष्ण जो है ग्वाल बाल बन गए, तो सारे ग्वाल बाल भी कृष्ण हैं, बछड़े भी कृष्ण हैं। तो अनेक ग्वाल बाल बछड़े एवं गायों के रूप में विस्तारित करके ब्रह्मा को मोहित कर लिया था। और कृष्ण के बड़े भाई श्री बलदेव को, जो कृष्ण के स्वांग से आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा, बलदेव जो है स्वयं कृष्ण का ही स्वांग है ना, कृष्ण और बलदेव में कोई अंतर नहीं है। तो बलदेव को लग रहा है कि यह क्या हुआ, कितना आश्चर्यमय है कि मेरा कृष्ण प्रेम पुनः इतने सारे ग्वाल बालों बछड़ों और गायों के प्रति आकृष्ट हो रहा है। मैं तो कृष्ण से प्रेम करता हूँ, लेकिन अब क्या हुआ, बदल गया थोड़ा, ये ग्वाल बाल ये बछड़े सब सब सबको देख के मुझे कृष्ण का पूर्ण पूर्ण जो है आकर्षण हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ कृष्ण थे। या बाकी लोगों का अगर आप देखें, गोपियाँ जो यशोदा मैया के उम्र की जो गोपियाँ थी, जो कृष्ण को पुत्र रूप में चाहती थी, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि पहले हम सबसे ज्यादा अपने पुत्र से भी ज्यादा कृष्ण से प्रेम करते थे, और अभी पता नहीं क्या हो गया, हमारे पुत्र से भी कृष्ण जैसा ही प्रेम हमारा जो है उत्पन्न हो रहा है। ये विभाव का एक उदाहरण यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से उनको दर्शन मात्र से ही प्रेम उत्पत्ति हो रहा है, उनको कृष्ण से इतना ही प्रेम उत्पत्ति हो रहा है ग्वाल बालों में भी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण ही है इसीलिए। और जो बछड़े थे गाय 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 के पास जब कृष्ण जाते थे, स्पर्श करते थे, तब जाके गाय दूध देते थे, तो कई बार जो है गाय प्रतीक्षा करते थे कृष्ण के आने का कि दर्शन हो जाए। और गाय के मन में भी होता था कि कृष्ण जब उनके दूध भी पीते थे, डायरेक्ट दूध भी पीते थे, कृष्ण को जैसे अपने पुत्र के रूप में चाहते थे, तो गायों की इच्छा भी कृष्ण ने पूर्ति किया और बछड़े बन गए। तो ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से सभी ब्रजवासियों की इच्छा की पूर्ति की। तो उन गाय के बछड़ों को देखकर भी ग्वाल बाल हो, चाहे बलराम जी हो, चाहे कोई गोपिकाएं हो, कृष्ण का स्मरण हो रहा है, कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम है वैसा प्रेम का अनुभव हो रहा है, और गायों को वैसा प्रेम का अनुभव हो रहा है। तो यह एक उदाहरण है जिसमें स्वयं कृष्ण उद्दीपन विभाग के आश्रय तथा विषय बनते हैं। तो इस प्रकार ये जो 20वां अध्याय है यहीं पे समापन होता है। विभाव के बारे में हम यहाँ जानते हैं, और जो है इस प्रकार जो है हम जब भगवान कृष्ण कृष्ण के प्रति जो है इस प्रकार हम अपना आकर्षण डेवलप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।